हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार, आप ही का रिक्वेस्टेड वीडियो, आप ही का टॉपिक जो आपने बहुत पहले एक बार रिक्वेस्ट किया था, उसको आज मैं लेकर आई हूँ। आज कोई मेडिकल साइंस नहीं, आज पूरी तरह से हम एक भारतीय संस्कृति, जो योगासन जो हम लोग इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, हमारी संस्कृति में सबसे ज़्यादा जो हमारे ऋषि मुनि पुराने जो अभी भी जो बाबा लोग हैं वो सब बताते हैं, तो उसको हम देखेंगे कि डिजीज़ में इसका क्या इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कि आप नकारात नहीं कर सकते, नकारात्मक उससे नहीं देख सकते, क्योंकि इवन जो वेस्टर्न जो लोग हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो यूरोपियंस हैं, इवन वो भी हम इंडियंस के योग में विश्वास रखते हैं और दूर दूर से योगा सीखने यहाँ पर आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड की बीमारी वाले जो लोग हैं, जिनको थायराइड है हाइपो या हाइपर, उनके लिए कौन से ऐसे आसन हैं जो थायराइड को थोड़ा कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। अब थायराइड हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, आपको ही पता है। हाइपो यानी कि थायराइड की कमी है थायराइड हार्मोन की, तो आप थायराइड हार्मोन की टैबलेट्स लेते हैं। हाइपर यानी कि बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो दोनों ही चीज़ें खतरनाक है बॉडी के लिए, आपकी ग्रोथ में, आपके मूड चेंजेस, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी एनर्जी लेवल, फटीग, ये सब इस थायराइड हार्मोन की वजह से होता है। बहुत से लोगों के हार्ट पर फ़र्क पड़ता है, हार्ट रेट कम होना, ज़्यादा होना, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ठंड सहन ना होना, गर्मी सहन ना होना, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स लेडीज़ में, प्रेगनेंसी में थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि थायराइड अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो माँ को क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, बच्चे के ऊपर क्या रिस्क होता है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ योगा की बात करेंगे, क्योंकि ये प्रूवन है कि योगा भले ही बीमारी को जड़ से ना निकाले, लेकिन आपकी बीमारी को कंट्रोल करने में योगा एंड मेडिटेशन आपकी बीमारी को और आपके टैबलेट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे आसन हैं जो कि योगा में करने से, जो कि करने से आपके थायराइड की बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है, काफ़ी पेशेंट्स डेली इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल एरर्स आ रही है, इस वजह से रिपोर्ट्स आने में दिक्कत हो रही है, बट उसका तोड़ हमने ढूंढ लिया है। मैं अपनी सेक्रेटरी का व्हाट्सएप नंबर देकर आपको रिपोर्ट्स आपकी शेयर करवा सकती हूँ, और फिर हम आपको कंसल्ट कर सकते हैं, आपसे प्रिस्क्रिप्शन भेज सकती हूँ, आपको वॉइस मैसेज भेज सकती हूँ। ओके, सेकेंड जो तरीका मुझसे कॉन्टैक्ट करने का, वो है जब मैं लाइव जाती हूँ अपने इस चैनल पर और डॉक्टर सोनल आंसर्स पे, तो आप अपना सुपर चैट का ऑप्शन यूज़ करके मुझसे क्वेश्चन उसी समय पूछ सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप हॉस्पिटल आइए, बहुत से लोग आते भी हैं, आप मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मेक श्योर कि आप आएँ तो मैं हॉस्पिटल मिलूँ आपको, और ये बेस्ट तरीका रहता है हॉस्पिटल से डॉक्टर से कंसल्ट करने का। ओके, तो शुरू करते हैं योगा इन थायरॉयड। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं योगा के आसन बताना शुरू करूं, आपको बता दूं कि किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, आप अपना हेल्दी खाना हमेशा ध्यान रखें। जंक फूड और अनहेल्दी फूड, आपको भी पता है अनहेल्दी फूड क्या होता है। चीट डेज आपकी ठीक है, समझ में आता है, महीने में एक या दो बार, बट अगर आपको कोई बीमारी है तो जितना हेल्दी आपका लाइफस्टाइल रहेगा, एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, योगा हो, साथ में हेल्दी डाइट रहेगी, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अपनी हेल्थ का बेसिकली दारोमदार आपके ऊपर ही है। यू कैन नॉट जस्ट से कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही मैं ठीक होंगी। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैडम मैं मोटी हो गई, दवाई दे दो पतली हो जाऊंगी, तो मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ और खाना पीना कंट्रोल कैसे करें, एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं, आप तो दवाई दे दो। तो हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं होती है, इसीलिए आज हम ये बहुत ही सिंपल योगासन लेकर आए हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, कुछ आसन ऐसे हैं जो कि आपको करने में डिफ़िकल्टी होगी, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी। ओके, तो हमारा पहला जो आसन आज हम बताने वाले हैं वो है सर्वांगासन। जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्वांगासन में पहले आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रख दें, जमीन पे मैट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं, उसके धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर लाके पीछे बैक सपोर्ट करते करते ऊपर आएं, और कोशिश करें बिल्कुल स्ट्रेट आप चले जाएं ऊपर, शोल्डर पे अपने पूरा आपको भार लेना है। अगर आपका बैलेंस अच्छा बन रहा है तो आप हाथ नीचे भी कर सकते हैं जमीन पे, जैसे कि इन्होंने करके दिखाया है। जरूरी नहीं कि बैलेंस बने, अगर बैलेंस नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पकड़ के रखें, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 तक की गिनती गिन लें, इतना कर लें बहुत है। फ़ायदे क्या है, आप देख रहे हैं सारा ब्लड आपका, पैरों का ब्लड जो है वो आपके नेक में और आपके ब्रेन में जाएगा, तो आपके हेड तक जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी थायराइड ग्लैंड में तो थायराइड की बीमारियां दूर होंगी। ओके, साथ ही आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि सारा ब्लड सप्लाई इसको पूरी बॉडी का ब्लड सप्लाई आपके हेड पे और आपके फेस पे आ रहा है। अब नुकसान क्या है, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों के स्पाइन में सर्जरी हुई है या शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों की आँखों में ग्लॉकोमा है यानी कि रेटिनल प्रॉब्लम्स है, या ग्लॉकोमा यानी कि हाई प्रेशर है अंदर, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग करेंगे इस तरह की आसन तो इनका सारा ब्लड जो है ऊपर आँखों में और फेस पर जाएगा और शोल्डर्स पर प्रेशर पड़ेगा, तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि ये वाले आसन ना करें।
नेक्स्ट हम आते हैं आसन है हलासन। ये सर्वांगासन का ही आगे का पार्ट है। सर्वांगासन में आपके पैर ऊपर रहते हैं, हलासन में धीरे धीरे आप उन पैरों को अपने पीछे लेके जाते हैं। और जैसे कि इन्होंने दिखाया है, ये मिस्टर मनीष हैं जो कर रहे हैं, बहुत अच्छे योगा करते हैं और बहुत अच्छे जिम इंस्ट्रक्टर भी हैं ये, तो ये तो काफ़ी फिट हैं। तो ये अपने हाथ पूरे आगे की तरफ लेके गए हैं हलासन में। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप जितना टच कर पा रहे हो उतना करिए, या फिर बेस्ट है कि आप रोलिंग करके पहले आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे करेंगे, तो इससे आपका पोस्चर और अच्छा हो जाएगा। अब इसके भी फायदे करीब करीब वही हैं जो मैंने सर्वांगासन में बताया, क्योंकि सारा ब्लड पीछे की तरफ आ रहा है तो थायराइड ग्लैंड में स्ट्रेचिंग भी हो रही है और ब्लड सप्लाई भी बढ़ रही है। और इसके भी नुकसान वही है जो मैंने बताया, शोल्डर प्रॉब्लम है, स्पाइन प्रॉब्लम है, या फिर आपको आइज में प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को ये वाली आसन नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट आसन जो ये करके दिखा रहे हैं वो है शीर्षासन। अब शीर्षासन जैसे कि आप देख रहे हैं सारा के सारा ब्लड आपका फेस पे और आपके नेक पे आ रहा है, तो ये इनका चेहरा भी एकदम लाल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये आसन इतना आसान नहीं है। मैं इतने सालों से योगा कर रही हूँ, मैं शीर्षासन अभी तक नहीं कर पाई हूँ। ये मेरा एक एम है कि मुझे करना है। तो इसमें आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स पे काफ़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी बैक काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप जब सीधे ऊपर जाएंगे तो आपका बैक का ही सारा सपोर्ट रहता है, वरना आप आगे पीछे डोलते रहेंगे तो कोई चाहिए होगा आपको ऊपर पकड़ने के लिए। ठीक है, तो शीर्षासन के भी फायदे वही हैं, क्योंकि थायरॉयड में सारा ब्लड आ रहा है तो थायरॉयड अच्छा फंक्शन करेगा। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन किसको नहीं करना चाहिए, वही सब सेम जो मैंने पहले आपको बताया। साथ में जैसे आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेन में क्लॉट्स हैं, यानी कि पहले आपको स्ट्रोक हो चुका है, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं मैं अपने सिर पे या ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, तो फिर आपको ये वाला आसन नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं मर्त्यासन पे। अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं मछली की तरह एक पोज है, मछली वाला पोज है। इसको आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इन्होंने लेटे लेटे अपनी पालथी मारी है, आप बैठ के पालथी मार के फिर पीछे जा सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपकी बैक स्टिफ है तो धीरे धीरे उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। इसके फायदे ये है कि आपकी बैक को पूरा स्ट्रेच कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि थायरॉयड ग्लैंड स्ट्रेच हो रहा है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छी मिल रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो रही है, आपका डाइजेशन भी इससे बेटर होता है क्योंकि आपका पूरी स्ट्रेचिंग होती है अच्छे से, आपकी स्टमक की भी स्ट्रेचिंग होती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जिन लोगों को हर्निया है, जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये वाला आसन नहीं करना चाहिए। या फिर ऑब्वियसली अगर हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम में आपको बहुत ध्यान से कोई भी स्ट्रेचिंग का आसन करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर हार्ट पे ब्लड सप्लाई पे पड़ता है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक आसन है सेतु बंद, यानी कि ब्रिज पोज। इसमें इन्होंने अपने बॉडी का एक ब्रिज बना लिया है। अब इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे इन्होंने हाथ अपनी ज़मीन पे रखे, आप अपने हाथों से अपने एंकल्स यानी कि अपनी जो एड़ियां हैं उनको पकड़ के पीछे की तरफ खींच सकते हैं, तो उससे आपकी बॉडी और ऊपर जाएगी। उससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग हो रही है, थायरॉयड ग्लैंड की स्ट्रेचिंग है, नेक की स्ट्रेचिंग है, तो ऑब्वियसली थायरॉयड की प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलती है। साथ में आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी लेवल कम होता है, आपके मूड स्विंग्स ठीक होते हैं। तो ये तो बेसिकली योगा का मंत्र है कि अगर आपको मेडिटेट करना है या फिर आपको अपने दिमाग को शांत रखना है तो फ्रेश एयर में योगा करें। फ्रेश एयर नहीं मिल रही, कमरे के अंदर योगा करें। स्ट्रेचिंग इज वेरी गुड, आई लव स्ट्रेचिंग, मुझे जिम से ज्यादा स्ट्रेचिंग पसंद है। तो स्ट्रेचिंग तो आप डेली कोशिश करें, आधे घंटे जरूर करें। सेतुबंद आसन के भी वही नुकसान है जो कि मैंने पहले बताया, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही तो बैक में शोल्डर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ में आपका नी जॉइंट यानी कि आपके घुटनों पे भी प्रेशर आ रहा है इसमें, तो अगर घुटनों की सर्जरी हुई है या घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है तो ये वाला आसन आप ना करें। फिर आते हैं कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसन। अब जब भी आप एक्सरसाइज करके कुछ ख़त्म करते हैं, कोई भी एक तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आपको भुजंग आसन आपका जो योगा इंस्ट्रक्टर हो पक्का कराएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी को पूरी रिलैक्स करता है। आपने किसी भी तरह के आसन करे हो, जिम करा हो, आपकी बैक को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा आसन है नाग पोज, यानी कि एक नाग की तरह आप भुजंग की तरह ऊपर आए और थोड़ी देर के लिए ऐसे रहे कोबरा की तरह, फिर वापस नीचे आ गए। स्ट्रेचिंग ऑफ नेक, स्ट्रेचिंग ऑफ स्टमक, स्ट्रेचिंग ऑफ बैक, पूरी तरह से आपकी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, फटीग कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को हर्निया है उनको ये नहीं करना चाहिए, जिन लोगों को पेट में अल्सर्स हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, कहते हैं पीरियड्स के टाइम में भी ये नहीं करना चाहिए, शायद प्रेशर पड़ता है, हालांकि इसके कोई प्रूफ नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग रिटन समवेयर, तो इससे मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि आप भी गूगल देखते हैं, मैंने भी ऑब्वियसली इतने सारे फायदे इनके गूगल से ही निकाले। साथ में जो मेरा ये जो बंदा है, जो मनीष है, ये ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर है, तो इनसे भी पूछ पूछ के मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, क्योंकि आज तक मैं इतने सालों से योगा कर रही हूँ बट मुझे भी इतने फायदे और नुकसान नहीं पता थे, तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि इससे क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। बट कोबरा पोज एज सच बहुत ही अच्छा पोज है, धीरे धीरे आप अपने हाथ पीछे लेते जाइए तो और ज़्यादा स्ट्रेचिंग आएगी अपर बैक एंड लोअर बैक, डिपेंड करता है आप कितना ऊपर जा रहे हैं, अगर आधे ऊपर जा रहे हैं तो अपर बैक पे आएगी, और अगर पूरा ऊपर जा रहे हैं तो लोअर बैक पे भी स्ट्रेचिंग आएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं उष्टासन यानी कि ऊँट की तरह, अब बिल्कुल ऊँट जैसी लग रही है ना। तो अब ये पहली बात तो करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट मुझे बहुत पसंद है, मैं करती हूँ। आप देखिए क्या क्या स्ट्रेच हो रहा है, आपका पूरा का पूरा स्टमक स्ट्रेच हो रहा है,
आपका चेस्ट पूरा एक्सपैंड हो रहा है, तो आपको अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है कोई, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, आपको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, तो उससे बेटर हो जाएगा स्ट्रेचिंग से। बट आपकी स्पाइन की सर्जरी नहीं हुई होनी चाहिए, आपको डिस्क प्रोलैप्स ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी स्पाइन में डिस्क बाहर आ रही हो और आप ये कर ले तो आपको और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपकी नीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा प्रेशर नीज पे ही है। आपकी नीज, आपके एंकल्स, ये सब नॉर्मल होने चाहिए, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज करें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि पेट पूरा स्ट्रेच हो रहा है तो आपका डाइजेशन इससे बेटर होता है। आपके नर्वस सिस्टम में, क्योंकि ब्लड पूरा जा रहा है तो आपका नर्वस सिस्टम बेटर होता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड आसन फॉर थायरॉयड ऑल्सो, फॉर स्ट्रेचिंग, फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल, साथ में आपका डाइजेशन और आपके लंग्स के एक्सपेंशन के लिए। ओके, लास्ट आते हैं सिंह पोज, यानी कि लायन पोज, यानी कि सिंहासना। अब ये बड़ा मज़ेदार पोज है और हम लोग जब करते हैं तो हमको बड़ी हंसी आती है, क्योंकि ये तो योगा इंस्ट्रक्टर ये तो आराम से कर रहे हैं, बट हमको जब हमारे इंस्ट्रक्टर्स कराते हैं तो हम लोग सब हंसते हैं। बट ये एक ऐसा आसन है जो बिल्कुल नुकसान नहीं करता, बहुत फ़ायदा करता है। इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, सभी आसन कर सकते हैं। आप अपनी जीभ बाहर निकाल के जब हा करके बोलेंगे तो आपके गले से आवाज़ आएगी, आपका गला साफ होगा, आपकी लंग्स एक्सपैंड करेंगी, आपकी थ्रोट में ऑब्वियसली थायरॉयड है तो थायरॉयड पर भी असर आएगा, आपका नर्वस सिस्टम खुलेगा। आप आँखें खोल के जीभ बाहर करके करेंगे, आवाज़ निकालेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो थ्रोट है, साथ में आपकी जो अंदर की जितनी भी गंदगी है सब बाहर आएगी। तो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी गुड फॉर फेस, इट इज़ वेरी गुड फॉर चेस्ट, फॉर स्किन। तो ये आसन आपको डेली करना चाहिए। कहते हैं ना शेर दहाड़ के अपना गला साफ करता है, या बच्चे जब निकलते हैं तो रोते हैं, जो जो से चीखते हैं तो अपना गला साफ कर रहे हैं, तो बेसिकली उसी के लिए है। और ये थायरॉयड के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने योग के गुण देखे थायराइड के लिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि एक योगा इंस्ट्रक्टर को बुला के आपको वो आसन बताऊं जो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आसानी दे। ऑफकोर्स इसका कोई रेमेडी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप योगासन से ही अपनी सारी बीमारी निकाल देंगे, ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। दवाई तो आपको लेनी है, साथ में अपना डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज भी चालू रखनी है, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, साथ में अगर आप योगा का थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो और बेल बटन जरूर दबाओ। मोस्ट लाइकली सभी ने अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बेल बटन दबा रखा होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि नया वीडियो कब आया। ओके, तो मैं वापस आती हूँ नया वीडियो लेकर आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।